झांसी जिले का एरस क्षेत्र खनन माफियाओं के लिए स्वर्ग माना जाता है। इस क्षेत्र में बालू माफिया अवैध तरीके से बालू का भारी खनन करके दिन दूनी रात चौगुनी कमाई करते हैं। यहाँ बालू के अवैध व्यापार में जहाँ सत्ताधारियों के करीबियों व उनका स्वयं का शेयर रहता है, तो वहीं यह पूरा कार्य खनिज विभाग और क्षेत्रीय पुलिस की मेहरबानी से फलता फूलता है। यहाँ की बेतवा नदी में पानी लगभग 20 फीट है, तो बिना लिफ्टरों के खनन हो ही नहीं सकता। एनजीटी के नियमों के मुताबिक यह लिफ्टर अवैध माने जाते हैं। यहाँ पर चल रहे निजी भूमि पट्टे की बात करें तो पट्टाधारकों ने सत्ताधारियों के शह पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एनजीटी नियमों के मुताबिक खनन 3 मीटर के नीचे नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ खनन लगभग 50 फीट गहराई तक भारी और प्रतिबंधित मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 7 दिन पहले बेतवा नदी के डेरा घाट पर एसडीएम गरौठा द्वारा एक औपचारिक छापेमार कार्रवाई की गई थी। उस दौरान एक मजदूर नदी में कूद गया था और उस दौरान हमारी टीम भी मौके पर पहुंची थी, जहां घाटों की स्थिति को हमने देखा और पाया कि किस तरह से नियम और मानकों को ताक पर रख दिया गया और बालू को भारी मात्रा में नीचे तक तो खुदाई करके निकाला गया है। हालांकि इस बारे में पुलिस और प्रशासन अपने आँख कान और मुंह दोनों बंद किए रहा। जब भी खनिज अधिकारी से बात करो, वह इस बालू खनन को नियमों के भीतर बताते हैं, जबकि आए दिन बालू घाटों के वीडियो उनकी कथनी को कोरा झूठा साबित करते हैं। लेकिन दरअसल बात यही है कि बालू के खनन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मोटी रकम सिस्टम के तहत मिलती है। वहीं कुछ ईमानदार अधिकारी सत्ताधारी नेताओं के दबाव में कार्यवाही करने से कतराते हैं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार, यह है सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड बरुआ सागर, झांसी।